वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग छोटी मोटी डिस्कशन करने वाले हैं दो टर्न आउटर को लेकर। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस वक्त जो आउटर है ये ग्री का है, और ग्री के आउटर के अंदर हमारे पास जो अवेलेबल है ये रूटरी है, ठीक है, और जेन्युइन कंडीशन पे ये लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। क्योंकि जब भी कोई कंप्रेसर अगर जेन्युइन कंडीशन पे नहीं होगा तो उसके पाइपिंग की जो सेटिंग होती है वो आउट होती है, और यहाँ जो टाँका आपको नज़र आ रहा है ये टाँका बाकायदा नज़र आता है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जेन्युइन कंडीशन पे है कि नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, हम लोग डेढ़ टन के एसी के ऊपर हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और ये दो टन का आउटर है, इसमें भी 50 UF का कैपेसिटर हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हमने पहले भी कई वीडियो बना के रखी है, आप लोग अगर चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अंदर भी देखें, फ़ैन को चलाने के लिए कैपेसिटर एक दिया हुआ है अलग से, ठीक है। और इसके फ़ैन की वायरिंग की अगर आप बात करें तो नॉर्मली देखा जाता है कि फ़ैन की वायरिंग तीन वायर के ऊपर कनेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो एक वाइट, एक रेड, एक ब्लैक, एक ब्राउन, यानी कि ये वायर्स इसमें से आ रहे हैं, और एक अर्थ वायर, ये वायर्स इसके अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एक्स्ट्रा एक और चीज़ इसमें लगी हुई ये है कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर के हवाले से मैंने बहुत बार रिव्यू दे चुका हूँ कि आपको, मैंने कई वीडियो के अंदर बताया कि कॉन्टैक्टर को क्या होता है, इसका काम क्या होता है। मैंने एक बाकायदा लेक्चर इस पर दिया था कि कॉन्टैक्टर का काम किस तरह होता है, ये किस तरह काम करता है, किस तरह कनेक्ट होता है, इसके बारे में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन डाली है। आप लोग वो वीडियो भी लाजमी देखें। और ये इसके बाद ये जो चीज़ है ये इसका कनेक्टर है, ठीक है। ये वायरिंग वगैरह जो भी होती है यहाँ होती है। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो ये एक सिंपल एयर कंडीशन है, R22 गैस जिसमें चार्ज हो रही है। अगर यही दो टन के टाइप में अगर इन्वर्टर एयर कंडीशन तो होता तो उसकी एक अलग बात होती, तो उसके अंदर पूरा एक PCB कार्ड होता जिसके ऊपर मैं आपको रिव्यू देता। लेकिन इस वक्त सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें क्या रिव्यू है, और आपको इसको पहचान कैसे सकते हैं आपको ये भी बता दूँ। इसका कार्ड उठा के दो जिसमें इसकी चिट लगी हुई है, वो दो। अब टू टन इसको क्यों कह रहे हैं, हम इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के ऊपर गौर कर लेते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो स्पेसिफिकेशन देखें, यहाँ लिखा हुआ है ग्री एयर कंडीशनर आउटडोर यूनिट, ठीक है। मॉडल GS24LM40। रेटेड वोल्टेज पर अगर गौर करें तो 220 to 240 V, यानी AC करंट जो है 220 से लेके 240 का AC करंट इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रेटेड फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो 50 Hz, वैसी है जैसी एक आम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की होती है। 50 Hz जो होता है ये इसका एक्चुअली साइकिल होता है करंट का, जो करंट का साइकिल होता है ना, जो राउंड होता है करंट, तो उसको ये लोग 50 Hz कहते हैं, कभी 60 Hz भी हो सकता है, ठीक है। क्लाइमेट टाइप T1 लिखा हुआ है। टोटल वेट इस 2 टन के आउटर का यहाँ पर लिखा हुआ है 48 kg, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वजनी है। आइसोलेशन आई, रेफ्रिजरेंट R22 ये नज़र आ रहा है। जब भी किसी एयर कंडीशन के अंदर आपको काम करना हो तो आप उसकी लाजमी चिट को पढ़ें कि उसमें कितनी गैस लगेगी, कौन सी लगेगी और किस किस्म की लगेगी, ठीक है। तो आपको ये गैस का ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद हम इस फोल्डर में अगर इस ऑप्शन में आते हैं तो कूलिंग कैपेसिटी जो है बेसिक, मैं आपको समझा दूँ। देखिए, ये जो 24000 BTU लिखा हुआ है, 24000 BTU, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये 1.5 टन का होता तो 18000 BTU होता, अगर ये 1 टन का होता तो 12000 BTU होता, लेकिन ये 2 टन का है इसलिए 24000 BTU है। और कूलिंग पावर इनपुट यानी कंप्रेसर की जो मोटर है, जो कंप्रेसर है उसका जो कैपेसिटी वाटेज का है वो 2190 वाट का है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, कूलिंग रेटेड इनपुट 2700 वाट तक, यानी अगर ये बहुत हैवी चलेगा, यानी आप इसको ज़्यादा चलाएंगे तो 2700 वाट तक जाएगा। और रिफ्री चार्ज 1.1 kg, यानी जो गैस होती है वो तकरीबन 1.1 kg के आसपास इसमें गैस चार्ज होगी, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि कितनी गैस आपके यूनिट में जाएगी। मैं भी पॉसिबल के पाइपिंग की लेंथ के हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा होती रहे वो उसका कोई मैटर नहीं है। और साउंड लेवल जो भी होता है वो इसका कितना होता है वो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को इसमें देखें मेंशन करके बनाया गया है कि क्या क्या चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट होती है और क्या होता है, ठीक है। तो समझाने का मकसद यही है कि 2 टन के एयर कंडीशन के ऊपर काम करें, चाहे आप 1.5 टन के एयर कंडीशन पर काम करें, चाहे 1 टन के एयर कंडीशन पर काम करें, उसके आपको चिट को लाजमी पढ़ना है, कैपेसिटर लाजमी देखना है, कॉन्टैक्टर लगा है कि नहीं लगा है इसको लाजमी देखना है। इनके यूजेज के ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि आप लोगों को गाइडलाइन उसमें भी मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, फ़ी अमानिल्लाह।